नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे अफसर की जो कि फर्जी था और महीनों तक एक बिहार के महत्वपूर्ण शहर के पुलिस को परेशान करते रहा। उसने अपने ठगी का शिकार अपनी पत्नी को भी बनाया और उससे जो है पैसे ऐंठते रहा, उसका प्लॉट तक बिचवा दिया, गहना तक बिचवा दिया। और इन सब के बाद जब भेद खुला, पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई तो पुलिस पर ही पिस्टल तान लिया और उसके घर से न जाने ऐसे ऐसे चीज़ मिले जिसे आप सुनकर काफ़ी हैरत में हो सकते हैं कि एक निठल्ला व्यक्ति जो कुछ नहीं करने वाला कैसे पुलिस को बेवकूफ़ बनाते रहा, एक परिवार को बेवकूफ़ बनाते रहा। और वो सारे प्रोटोकॉल जो कि एक अफसर को मिलता है, एक बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी को मिलता है, वो सारा उठाते रहा। मामला है मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर में आपको बताएं कि आकाश कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को एडीएम रैंक का अधिकारी बताता था और वहां के सदर थाने में हर एक दो तीन दिन बाद फ़ोन करके, कभी मेरी गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दिया है तो गश्ती टीम को भेजो, अभी तक नहीं पहुंचा गाड़ी जो है, कभी दूसरे काम के लिए, कभी भड़काता था उनको कि अरे अभी तुमने मेरा काम नहीं किया, अभी एसएसपी को फ़ोन करता हूँ, डीएम को फ़ोन करता हूँ, ये तरह तरह की बातें आती थी। लेकिन आपको बताएं कि सदर थाने की पुलिस जो है वो अभी तक ये नहीं समझ पाई थी कि उन पर हुक्म झाड़ने वाला ये व्यक्ति जो है ये बिहार प्रशासनिक सेवा का एक सीनियर ऑफिसर नहीं बल्कि पटना के गर्दनीबाग का रहने वाला एक आवारा और धोखेबाज व्यक्ति है जो कि पुलिस को भी बेवकूफ़ बना रहा है और एक विधवा महिला से शादी करके उसको भी बेवकूफ़ बनाया और उसके सारे प्रॉपर्टी को बेच के उसने अपने नाम कर लिया या फिर कहीं और खर्च किया, जो भी किया, लेकिन महिला के हाथ में कुछ नहीं बचा। पूरा आपको हम मामला बताते हैं। मामला यह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर की थाना जो सदर थाना है वो पुलिस महीने में हर एक दूसरे तीसरे दिन एक एडीएम साहब के फ़ोन से परेशान थी। थाने में एडीएम साहब का कॉल आता, मेरी गाड़ी किसी ने टक्कर मार दी, जल्दी गश्ती गाड़ी भेजो। अगर गश्ती गाड़ी भेजने में थोड़ी भी देर हो जाती तो फिर से कॉल आता कि अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची, एसएसपी से बात करनी पड़ेगी। क्या एडीएम कभी किसी को पकड़ने के लिए कॉल करते तो कभी किसी को बचाने के लिए? एडीएम साहब से पूरा थाना परेशान था, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि जिस साहब के इशारे पर वो नाच रहे हैं वह एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और जो पुलिस को है वो बेवकूफ़ बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, उनका सारा मामला जो खोलने वाला व्यक्ति है वो एडीएम साहब का साला ही है। आपको हम बात बताते हैं कि एक व्यक्ति जो है थाने में सारे सबूत के साथ पहुंचता है, उसने एडीएम की पूरी कहानी पुलिस को बताई। हैरान पुलिस जो टीम है वो फर्जी एडीएम को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। और बताएं आपको कि मुजफ्फरपुर सदर थानेदार जो हैं सतेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम जब उन्हें पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस पर ही पिस्टल तान दी। पिस्टल को देख पुलिस कुछ देर के लिए घबराई, लेकिन इसी बीच पुलिस ने देखा कि फर्जी एडीएम के हाथ कांप रहे हैं और मौका मिलते ही सदर थाने के पुलिस जवानों ने उन पर हमला बोला और झटके से जमीन पर पटक दिया। पुलिसकर्मियों ने जब उनके हाथ से पिस्टल छीना तो पिस्टल को देख के पता चला कि वो भी नकली ही है, वो भी फर्जी पिस्टल ही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फर्जी एडीएम के घर तलाशी ली तो पहले उसकी असली पहचान की छानबीन की गई। पता चला कि वह पटना के गर्दनीबाग का रहने वाला आकाश कुमार है जो कि पूरी तरह से निठल्ला और फर्जी ठग है एक तरह से। उसके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ से कटिहार और मुजफ्फरपुर एडीएम का प्लेट, नेम प्लेट जो होता है वो, मुजफ्फरपुर समाहरणालय का नेम प्लेट, कई फर्जी सरकारी दस्तावेज, दो नकली पिस्टल, कई मेडल, लाल बत्ती, तीन वायरलेस सेट, बिहार सरकार का आई कार्ड बरामद हुआ। उसके फर्जीवाड़े का खेल देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, लेकिन फर्जी एडीएम का रौब ही अलग था। जब उसे गिरफ्तार कर पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा रही थी तब भी उसने खूब धक्का मुक्की किया। सिपाहियों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाया और थाने पहुंचाया। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि आकाश कुमार ने फर्जी अफसर बनकर एक विधवा से शादी की, फिर उसका सारा कैश और प्लॉट बेचकर रुपए ठग लिए। मुजफ्फरपुर में वह
जो विधवा महिला है जिनसे शादी किया उनका नाम प्रभा है, उनके साथ रहता था, जहां से पुलिस ने उसे धर दबोचा। दरअसल उसकी शिकायत प्रभा के भाई प्रकाश कुमार ने उसके खिलाफ शिकायत की। पुलिस को उसने सारी कहानी बताई और ये बताया कि कैसे उसने उसकी बहन के साथ धोखाधड़ी किया गया। इसके बाद आपको बताया कि पूछताछ चल रही है, इसके बाद फर्जी एडीएम को जेल भेजा जाएगा। आपको बताएं कि फर्जी एडीएम के साले ने बताया कि एक साल पहले उसकी उस पर और उसकी बहन पर एक केस हो गया था। उसी केस के सिलसिले में वो अपनी बहन के साथ थाना में आया था। थाने में उस समय आकाश कुमार भी मौजूद था। उसने खुद को कटिहार का एडीएम बताया। केस के बहाने उसने विधवा महिला प्रभा देवी से सहानुभूति जतानी शुरू कर दी। उसने पुलिस को मैनेज करने का भी भरोसा दिलाया और फिर सहानुभूति दिखाते हुए प्रभा के करीब आने लगा। प्रभा उससे उसके जाल में फंस गई और आकाश ने उससे पिछले साल जुलाई में शादी कर लिया। और आपको बताएं कि जो शादी किया गया उसके बाद पैसा ठगा गया, उसमें दिया हुआ है कि प्रकाश कुमार ने बताया कि फर्जी एडीएम ने उसकी बहन का सारा पैसा ठग दिया। शादी के कुछ दिनों बाद तक वह बाहर रहता था, फिर कहा उसने कि उसका ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर एडीएम के पद पर हो गया है। मुजफ्फरपुर शहर में प्रभा का घर है, आकाश वहीं पत्नी के घर पर रहने लगा। उसके बाद वह अलग अलग बहाने बनाकर रुपए ऐंठने लगा। कभी कहता था उसकी सैलरी रुक गई है, तो कभी कहता पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए ऊपर पैसा देना पड़ता है। इस तरह से उसने प्रभा के अकाउंट से 8 लाख रुपये ले लिए। फिर उसने प्रभा के सारे गहने बेच दिए और 10 लाख रुपये बना लिए। प्रभा का पटना में एक ज़मीन था, फर्जी एडीएम ने उस ज़मीन को भी 40 लाख रुपये में बेच दिया और सारा पैसा अपने पास रख लिया। जब भी प्रभा उससे पैसे मांगती वह टाल मटोल का जवाब देकर बात को टाल देता था। आपको बताएं कि भाई प्रकाश ने बताया कि जीजा ने 2 महीने पहले कहा कि उसका प्रमोशन होने वाला है, वह पहले एसडीएम बनेगा और उसके बाद डीएम में प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पैसे खर्च करने होंगे। बार बार पैसा मांगने से प्रकाश को उस पर शक हुआ, लेकिन वह जब भी उससे फ़ोन करता तो वह नौकरी से संबंधित बात कोई भी पूछता तो वह टाल देता। प्रकाश ने कहा कि जब भी अपने जीजा को फ़ोन करके नौकरी के बारे में पूछताछ करता तो यह कहकर फ़ोन काट देता कि नीतीश कुमार की आवाज़ से फ़ोन आ रहा है। कभी कहता डीएम साहब का कॉल आ रहा है, तो कभी कमिश्नर का, कभी पटना एसएसपी का, तो कभी मुजफ्फरपुर एसएसपी का कॉल आ रहा है। और इसके साथ ही प्रकाश ने अपने जीजा से नौकरी स्लिप दिखाने को कहा तो उसने नहीं दिखाया। और इन्हीं सब के बाद जब भाई को एहसास हुआ कि उसकी बहन के साथ लूट हुआ है, ठगी की शिकार हुई है, एक फर्जी आदमी जो है वो उसकी बहन से एडीएम बन के शादी करता है और उसके गहने जमीन और जितने कैश थे सब का वारा न्यारा कर देता है, सबकी लूट कर लेता है, तो अंत में हताश होकर भाई प्रभा का भाई प्रकाश मुजफ्फरपुर के सदर थाने में पहुंचता है। और जैसे ही पुलिस सुनती है कि एडीएम साहब हैं जो हर एक दो दिन पर थाने को फ़ोन करके हड़काते हैं, सेवाएं लेते हैं, एक प्रोटोकॉल लेते हैं, वो एक फर्जी आदमी है और पुलिस उनके यहाँ छापेमारी करती है, तो सारा भांडा फूटता है। हमको सैलरी से जो या अपना एडीएम का कोई कार्ड है वो भेजो, तो कभी ये सिल्ड हमारे घर में दिखाता था, कभी कुछ दिखाता था, ठीक है, उसका जब कुछ हो तो अभी हमारी सैलरी जो है 2-3 महीने नहीं आने, मार्च पास से पूरी क्लियर हो जाएगी। भैया कभी इनको इससे पैसे चाहिए, कभी ऐसे पैसे चाहिए। क्या बोला था मुजफ्फरपुर डीएम बनने वाला? हाँ, क्या बोला था कि अभी हमारा एग्जाम अभी दिया है और इसके बाद में प्रमोशन होगा, डीएम नहीं कराता, एसडीएम होंगे उसके बाद डीएम होंगे मुजफ्फरपुर के। हाँ, मुजफ्फरपुर के। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि वो एडीएम जो है उसकी अकड़ अभी तक कम नहीं हुई है, पूछताछ चल रही है, जेल जाएंगे, जेल एक से एक लोग का अकड़ कम कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे लोग जो हैं वो समाज में मौजूद हैं, जो कि कैसे कैसे तरीकों से ठगी का शिकार बनाते हैं लोगों को। आप समझ सकते हैं कि एक शहर का एडीएम होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन लोग में इतना हिम्मत देखिए कि इतने बड़े बड़े नामों का सहारा लेकर भी वो चैन से रहते हैं और दूसरे लोगों को ठगने का काम करते हैं। और जो भी लोग हैं किसी पर भी कुछ सुनने से पहले आँख मूंद कर विश्वास नहीं करें, बल्कि उसके बारे में जांच कर लें। अगर वो सरकारी अफसर बताता है तो उसके बारे में जानना और आसान है, क्योंकि सारी सूचनाएँ अब इंटरनेट पर मौजूद रहती हैं। तो बहुत ही अजूबा मामला है कि एक निठल्ला, एक बेरोजगार, एक शातिर ठग
जो है खुद को एडीएम बनाकर एक फैमिली को लूट लिया और वही एक शहर के पुलिस को हमेशा परेशान किया करता था और उनसे अपनी सेवाएं लिया करता था, रौब काटता था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया डॉट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।